Good afternoon, everyone. Today we will discuss electricity chapter continuation. We have already discussed it till Ohm's law, resistivity. You want to know about Ohm's law, resistivity, its numerical related to it, you can see my previous videos. Today we will start with derivation of N resistors in series combination and parallel combination. These derivation as it is doesn't come in board examination for proving, but their result are there in syllabus. But I would like to help you out how these derivation comes up, right? So that's why first of all we are starting with series combination. You know, resistance is a device which controls the flow of electric current in an electrical circuit. We have various resistances here, R1, R2, R3, up to Rn. All of them are in series. And here we have few resistance R1, R2, up to Rn are in parallel combination. Beta, series or parallel ka matlab ye nahi hai that you have placed it horizontally to ye series ho gaya. Yeah, you have placed it like this, so this is parallel. Adhiktar bachche yehi samajhte hain. It is about dividation of current. Dhyan se dekhiye, jab resistor aapke series combination mein hai, to current same flow ho raha hai across each resistor. Same current flows across each resistor, lekin voltage jo hoti hai, har individual resistor ke across different hoti hai, jaisa ki aap dekh sakte hain. Right? तो ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम फ्लो होता है बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, पर वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर जो है डिफरेंट होती है. अब एक बात ध्यान रखना, जो टोटल वोल्टेज होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वोल्टेजेस, राइट? अब ध्यान रखना, V1 क्या है? V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1. V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2. V3 is potential difference across R3 and Vn is potential difference across Rn. कई बार ऐसे भी आ जाती है ये derivation कि तीन resistor के लिए करिए, तो आप circuit को यहाँ से बंद करके V3 तक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना. पर mainly आपको N resistors में ही सीखनी है. अब आप सभी को Ohm's law पता है बेटा, according to Ohm's law we have V is equal to IR, right? तो V के प्लेस पे बेटा IR लिखेंगे, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा. V1 is the potential difference across R1, तो V1 की जगह लिखेंगे IR1, ऐसे V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, up to Vn की जगह IRn. क्लास, अब आपको कॉमन क्या लेना है, राइट साइड से I कॉमन आ रहा है, और एक काम और करना है, यहाँ R जो है टोटल रेजिस्टेंस है, उसको RS से रिप्लेस कर देना है. RS का मतलब क्या है? RS का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. याद रखिएगा, RS का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो बेटा R की जगह RS लिख देना, ऐसे I कॉमन ले लो राइट हैंड साइड से, I आप कॉमन ले लीजिए. वी आर लेफ्ट विद R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. ICI कैंसिल हो जाएगा क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा था. तो जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, दैट इज RS, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. एक सिंपल से एग्जांपल से यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा. सपोज आपको तीन रेजिस्टर्स गिवन है क्लास, एक R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम और R3 की वैल्यू है 5 ओम. प्लीज जूम ऑन दिस. R1 3 ओम है, R2 4 ओम है, R3 5 ओम है. तो आपको RS बताना है. RS क्या हो जाएगा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में? R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट? तो R1 की जगह 3 लिखिए, R2 की जगह 4 लिखिए, R3 की जगह 5 लिखिए. 4, 3, 7 और 5, 12, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इस केस में कितना आ जाएगा? 12 ओम, राइट? इसके बाद एक और एग्जांपल से इसे समझ, आप पैरेलल के उससे समझते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है. जो सबसे मेन डिफरेंस है बेटा पैरेलल में, यही होता है. यहाँ से देखो करंट जाता है, इसे बहुत सारे पाथ दिख रहे हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ देखो एक ही पाथ दिख रहा था, तभी करंट सेम फ्लो हुआ है. पर यहाँ पर आप इस पॉइंट पे देखो तो आपको बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं. आप सपोज करंट हो, देयर आर मेनी पाथ्स, तो वहाँ उन सब पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा.
कहीं आई वन जाएगा, कहीं आई टू जाएगा, कहीं आई थ्री जाएगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आई वन आई टू आई थ्री बराबर हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। बहुत कम इवन डिफरेंट ही होते हैं अधिकतर, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना क्लास, वोल्टेज जो होती है सेम होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पर करंट जो होता है वो डिफरेंट फ्लो होता है अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स। तो यहाँ भी जो टोटल करंट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए I1 क्या है, यहाँ I1 वन इज द करंट अक्रॉस R1, I2 क्या है करंट अक्रॉस R2, I3 इज करंट अक्रॉस R3, IN इज करंट अक्रॉस RN, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर से बेटा ओम्स लॉ आएगा, आप सभी को ओम्स लॉ पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V होता है IR क्लास, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V बाय R, राइट, आई हो जाएगा वी बाई आर। और एक बात मैं और कहूँगा, यहाँ पर मैं पहले आप वी बाई आर बेशक लिख लो, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा वी बाई आर, आई वन आ जाएगा वी बाई आर वन, आई टू आ जाएगा वी बाई आर टू, आई थ्री आ जाएगा वी बाई आर थ्री अप टू वी अपॉन आर एन क्लास। एक काम आपको करना है कॉमन लेने से पहले, आर को आर पी से रिप्लेस करना है, एंड वट इज आर पी, आर पी इज टोटल या इफेक्टिव, एक ही बात है, एफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्लास 11 वाले में ये देख सकते हैं, ठीक है, 12 क्लास में यही सेम कैपेसिटेंस से उल्टी हो जाती है, सीरीज में ये हो जाता है, पैरेलल में ये हो जाता है, सेम है, तो 11th में भी आपकी ये सब इसी के बेसिस पे आगे डिराइव होती है, एफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा V अपॉन आर पी, राइट साइड से V कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री अप टू 1 बाय आर एन प्लस V से V कैंसल, तो वी हैव अ न्यू फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन विच सेज 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय आर, ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो अब दो फॉर्मूले हैं, सीरीज में हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन, और पैरेलल में हो जाएगा 1 अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री अप टू 1 बाय आर एन। एक एग्जांपल इसका भी लेना चाहूंगा मैं, सेम सपोज आर वन 3 ओम है, आर टू 4 ओम है, और आर थ्री दिया हुआ 5 ओम, आपको बेटा पैरेलल में लगाना है, तो 1 बाय आर पी आपको पता क्या होता है, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, तो ये आ जाएगा 1 बाय थ्री प्लस 1 बाय फोर, 3 4 और 5 का एलसीएम 60 आएगा, 60 बाय 3 20, 60 बाय 4 15, 60 बाय 5 12, तो ये आ जाएगा 47 बाय 60 ओम। रेसिप्रोकल लेना ना भूलना, 60 by 47, right class, thank you.